क्वीन एलिजाबेथ के मरने पर इंग्लैंड के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जो उनके मरने का शोक मना रहे हैं। इवन बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए क्वीन एलिजाबेथ के मरने पर दुख प्रकट किया है। वहीं कई देश ऐसे हैं जो क्वीन एलिजाबेथ के मरने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनमें इंडिया, अर्जेंटीना, आयरलैंड एंड कई सारे अफ्रीकन नेशन शामिल हैं। तो उनके ऐसे करने का क्या रीजन है, आइए उसके बारे में जानते हैं एंड क्वीन एलिजाबेथ की डार्क हिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। द मॉ मॉ रिबेलियन। एलिजाबेथ के मरने पर जहां कई देश शोक मना रहे हैं, तो वहीं केनिया के लोग इसका जश्न मना रहे हैं, और उनके जश्न मनाने का एक मेन कारण भी है। एलिजाबेथ के फादर जॉर्ज दी सिक्स्थ के मरने के बाद 1952 में एलिजाबेथ को इंग्लैंड की नई महारानी घोषित कर दिया गया था, और उसी दौरान वो केनिया के दौरे पर थी, और उस टाइम केनिया ब्रिटिशर्स के अंडर था। अब जिस तरह से ब्रिटिशर्स को इंडिया से आजाद करने के लिए हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने स्तर पर पूरा दमखम लगा दिया, जिसमें उनके साथ कई सारे लोग जुड़े, इसी तरह से केनिया में भी माओ माओ नाम का एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी के लिए लड़ रहा था। 1952 से 1960 तक माओ माओ जब काफी तेजी से विस्तार कर रहा था और ब्रिटिशर्स की नाक में उन्होंने दम करके रख दिया था, तो उनको रोकने और उनकी आवाज को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने केनिया के लोगों पर काफी अत्याचार किए। कई मिलियंस ऑफ केनियंस को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया और उन्हें उन कंसंट्रेशन कैंप में काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। ऐसा टॉर्चर जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो उनकी औरतों के साथ रेप किया करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने केनियंस के ऊपर एक के बाद एक कई सारे बॉम्ब्स गिराए, जिसकी वजह से लाखों केनियंस मारे गए, और ये सब क्वीन एलिजाबेथ दी टू के राज में हो रहा था। दुनिया के सामने सब बातें ना आ सके, उन्होंने इसके लिए कई सारे रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया, परंतु सच कब तक छुपाओगे, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाना है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ यमन। आज जिन इंटरनेशनल लॉ के वॉयलेशन का ज्ञान यूके दुनिया को देता है, उसने उन इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट जाकर यमन के लोगों के साथ जो वॉयलेंस किया है, उसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। यूके ने सऊदी के साथ मिलकर यमन पर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज करी। यूके लगातार सऊदी को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड सऊदी की आर्मी को ट्रेनिंग देता है ताकि वो यमन के ऊपर कंट्रोल रख सके, जिससे सऊदी एंड यूके के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे होते हैं। ह्यूमन राइट्स को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज आए दिन इंडिया को कोई ना कोई लेक्चर देती रहती है, परंतु आज तक उन्होंने खुद ह्यूमन राइट्स के रूल को फॉलो नहीं किया, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है यमन। यूके, यूएसए एंड सऊदी ने ह्यूमन राइट्स के सारे रूल्स का उल्लंघन करते हुए यमन पर जो क्रूरता दिखाई है, उसके कारण यमन दुनिया के वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। अराउंड 20 मिलियन यमन के लोग आज भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिसमें से 10 मिलियन तो केवल बच्चे हैं, एंड कई लाखों बच्चे तो केवल हर साल इस वॉर के कारण हुई भुखमरी से मर जाते हैं। इस तरह की क्रूरता एंड वॉर क्राइम यूके एंड उसके अलाइज ने यमन पर करी है। बताया जाता है ब्रिटेन ने अकेले सऊदी को यमन पर ये सब अत्याचार करने के लिए $18 बिलियन का मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया, और ये सब क्वीन एलिजाबेथ टू के अंडर हो रहा था। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1970 से 71 के दौरान पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर काफी अत्याचार कर रहा था। पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बेरहमी से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारती थी और उनकी औरतों और बच्चियों के साथ रेप करती थी, और इस मैसिव किलिंग एंड जेनोसाइड को देखते हुए इंडिया ने तय किया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, जिसके लिए इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। और जब ये बात यूएसए को पता चली, जो उस वक्त पाकिस्तान का दोस्त था, तो उसने टास्क फोर्स 74 जिसमें 10 नेवल शिप्स एंड उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एंड पावरफुल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज शामिल था, जो 17 फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता था, उनको यूएसए ने वियतनाम से बे ऑफ बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। वहीं यूके ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस ईगल को अरेबियन सी की तरफ रवाना कर दिया, और उस वक्त यूएसए एंड यूके का प्लान इंडिया को दोनों तरफ से घेरकर अटैक करने का था। और जब इंडिया को एक खबर पता चली, तो उसने तुरंत रशिया से मदद मांगी, और रशिया ने भी इंडिया की मदद के लिए अपने न्यूक्लियर आर्म शिप्स एंड एटॉमिक सबमरीन्स को इंडियन ओशन की तरफ रवाना कर दिया। और जैसे ही रशिया ने इंडियन ओशन में भारत की रक्षा के लिए अपने शिप्स एंड सबमरीन डिप्लॉयड किए, तो उससे ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ चुका था कि वो लेट हो चुके हैं एंड ऑलरेडी रशिया इंडिया की मदद के लिए इंडियन ओशन में पहुंच चुका है। और उस वक्त ब्रिटिश के कमांडर ने यूएसए के 7th फ्लीट कमांडर को मैसेज देते हुए कहा, सर वी आर टू लेट,
देर आर दी रशियन एटॉमिक सबमरीन्स हियर एंड अ बिग कलेक्शन ऑफ बैटलशिप्स। इसके बाद ब्रिटेन, जो इंडियन ओशन की तरफ इंडिया पर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ रहा था, उसने रशिया के डर से अपनी नेवल शिप्स को मेडागास्कर की ओर मोड़ लिया और यूएसए की सबसे बड़ी टास्क फोर्स जो बे ऑफ बंगाल की ओर बढ़ रही थी वो बंगाल की खाड़ी में एंटर करने से पहले ही रुक गई। और उस समय ब्रिटेन ने जो इंडिया को अटैक करने का प्लान किया, उस वक्त ब्रिटेन की महारानी और कोई नहीं बल्कि क्वीन एलिजाबेथ दी टू थी, जिसके मरने का कई सारे इंडियन शोक मना रहे हैं। स्वेज क्राइसिस 1956 के दौरान जब इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज करने की घोषणा करी, तो नासिर के इस डिसीजन से ब्रिटेन बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिसके कारण उसने फ्रांस एंड इसराइल के साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक करने का प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले इसराइल ने अटैक किया और स्वेज कैनाल को अपने अंडर ले लिया, और उसके बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस ने भी इसराइल को ज्वाइन करते हुए पोर्ट सेड एंड पोर्ट फुआद पर अपना कंट्रोल ले लिया। परंतु ब्रिटेन एंड फ्रांस की इस हरकत से उनके बिग डैडी यूएसए खुश नहीं थे, क्योंकि इस अटैक के बारे में उन्होंने अपने डैडी से नहीं पूछा, जिसके कारण उनके डैडी ने उन्हें वार्न करते हुए कहा, अगर आप ये सब करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, जिसके कारण तीनों को पीछे हटना पड़ा। अब यहाँ पर इसराइल का अटैक करना काफी हद तक समझ आता है कि इसराइल ने अटैक इसलिए किया क्योंकि इजिप्ट ने इसराइल की शिप्स को ब्लॉक करके रखा हुआ था, बट ब्रिटेन एंड फ्रांस इसराइल के साथ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह घुस गए। लगता है उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि अभी भी वो एक सुपर पावर है। खैर, स्विस क्राइसिस वो इवेंट था जिसके बाद ब्रिटेन वो ब्रिटेन नहीं रहा जो वो हुआ करता था। इस इवेंट के बाद ब्रिटेन कमजोर पड़ गया और अब वो एक मेजर सुपर पावर भी नहीं था, क्योंकि उसकी जगह उसके डैडी यूएसए ले चुका था। और इस दौरान ब्रिटेन की आर्मी के कमांडर एंड चीफ और कोई नहीं बल्कि क्वीन एलिजाबेथ थी। मालविनास आइलैंड, जिसको लेकर यूके एंड अर्जेंटीना के बीच काफी ज्यादा टेंशन रहती है, ऐसे इंडिया और चाइना की लद्दाख को लेकर रहती है। अर्जेंटीना से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर इस आइलैंड को यूके फॉकलैंड आइलैंड बुलाता है, तो वहीं अर्जेंटीना इसको मालविनास आइलैंड कह के पुकारता है। 1982 में क्वीन एलिजाबेथ के अंडर ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के इस आइलैंड पर अटैक किया था, तो इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्जेंटीना ने अपनी आर्मी को मालविनास आइलैंड पर भेजा था, बट ब्रिटेन की आर्मी ने अर्जेंटीना की आर्मी को हरा दिया एंड ये आइलैंड अपने अंडर ले लिया। अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन के बीच ये वॉर कुल 74 डेज तक चली, जिस बीच अर्जेंटीना के 649 सोल्जर्स एंड ब्रिटेन के 255 सोल्जर्स मारे गए। अर्जेंटीना आज भी इस आइलैंड को क्लेम करता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये आइलैंड शुरू से अर्जेंटीना को बिलोंग करता था। और जियोग्राफिकली भी देखें तो ये आइलैंड अर्जेंटीना के काफी ज्यादा नियर है, पर यूके कहता है ये हमारी ओवरसीज टेरिटरी है, यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अर्जेंटीना के इस मालविनास आइलैंड को लेकर इंडिया अर्जेंटीना को फुल सपोर्ट करता है एंड इसको मालविनास आइलैंड के नाम से पुकारता है। आखिर दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, जस्ट जोकिंग। जो कॉलोनियल माइंडसेट क्वीन एलिजाबेथ के प्रेडिसर्स का था, वही माइंडसेट एलिजाबेथ का भी था। उनमें एंड उनके प्रेडिसर्स में कोई भी फर्क नहीं था। क्वीन एलिजाबेथ के मरने पर कई सारे भारतीय शोक मना रहे हैं, पर वो भूल गए ये वही क्वीन है जिसने कई देशों पर अपनी क्रुएलिटी दिखाई है। हालांकि उन्होंने कभी भी दुनिया को महसूस नहीं होने दिया, पर सच छुपाई नहीं छुपता, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। अपनी और उनके प्रेडिसर्स की ब्लडी हिस्ट्री एंड जो एट्रोसिटीज उन्होंने लोगों पर करी, उसके लिए उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी, ना ही वो उसका रिग्रेट करती थी। जिस क्राउन को एलिजाबेथ बड़े ही शान से पहनती थी, उस क्राउन पर भारत का वही कोहिनूर हीरा है जिसे वो इंडिया से चुरा कर ले गए थे। उन्होंने उस वेल्थ को एंजॉय किया है जो एक वक्त में उनके प्रेडिसर्स इंडिया और कई कंट्री से चुरा कर इंग्लैंड ले गए थे, पर मात्र 75 सालों में इंडिया ने अपने आप को वापस से खड़ा कर लिया और यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी और 4th सबसे बड़ी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर बन चुका है। पीएम मोदी ने जो एलिजाबेथ के मरने पर ट्वीट किया है, वो एक दिखाने के लिए है कि हम भी क्वीन के मरने से दुखी हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में अपने देश के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। याद रहे, हमें अभी भी और ग्रो होना है, जिसके लिए हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे होना जरूरी है। बाकी आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई लव टू नो योर आंसर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।